ओके सीजन थ्री एपिसोड फाइव ऑलमोस्ट हाफ वे देयर तो लेट्स टू एन ईजी वन सारी ईजी हैं uh, या सारी मुश्किल है आई डों नो क्वेश्चन इज कैन द डिजिटल सम कैन हमसे पूछ रहा है येस और नो कैन द डिजिटल सम डिजिटल सम मतलब सम ऑफ द डिजट्स ऑफ अ स्क्र बी थ्री क्या सम ऑफ द डिजट्स किसी स्क्वायर की थ्री हो सकती हैं क्या येस और नो एंड वाई द वीडियो थिंक अबाउट दिस कुछ नंबर्स लो सोचो रिजलसम स्क्वायर भी थ्री ओके कुछ स्क्वायर लेते हैं फोर फोर स्क्वायर सिक्सटीन स्क्वासम नॉट थ्री सेवन आ रहा है फाइव स्क्वाइ स्क्र ट्वेंटी फाइव नॉट नाट थ्री टू स्क्वायर नहीं वन स्क्वायर नहीं थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर कभी थ्री नहीं आ रहा है थ्री स्क्वायर का नाइन आ रहा है um, 6, 6 square, सिक्स स्क्र इज थर्टी सिक्स फिर नाइन आ रहा है ओके टेन स्क्वायर नहीं नाइन स्क्वायर नाइन स्क्वायर इज एटी वन नाइन अभी भी नाइन आ रहा है ट्वेल्व स्क्वायर ट्वेल्थ स्क्र इज वन फोर्टी फोर अभी भी नाइन आ रहा है एलेवन स्क्वायर वन ट्वेंटी वन नहीं वन प्लस टू प्लस वन फोर नहीं आ रहा है अभी तक तो मुझे मिला नहीं है uh, तुम्हें मिला तो बताओ कैन द डिजिटल सम ऑफ अ स्क्वायर वि थ्री स्क्वायर के सम ऑफ डिजिट्स थ्री आएंगे क्या वेल द आंसर टू द डेट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो इट कांट बी डिजिटल सम ऑफ अ स्क्वायर कैन नेवर बी थ्री लेट्स अब आर्ग्यूमेंट इस तरह से फॉलो होता है कि भाई तुम्हारा एक नंबर है ए ठीक है उसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर अब ए स्क्वायर की अगर सम ऑफ डिजिट थ्री है यानी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री भाई यही तो प्रॉपर्टी होती है थ्री डिविजिबलिटी ऑफ थ्री की तो थ्री। बट अगर ए स्क्वायर इज डिविजल बाय थ्री देन दिस मीन्स ऑटोमेटिकली इज़ डिविजिबल बाय थ्री भाई अगर किसी का स्क्वायर थ्री से डिविजल है तो वो भी थ्री से डिविजिबल होगा थ्री तो वहीं से आएगा बट अगर ए इज डिजल बाई थ्री देन ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय नाइन बिकॉज अगर ए थ्री से डिविजल है तो एज थ्री के ए स्क्वायर हो जाएगा नाइन के स्क्वायर अगर ए में एक थ्री है तो ए स्क्वायर में एटलीस्ट दो थ्री होंगे तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय नाइन और अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय नाइन देन देन सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स इज एक्चुअली नाइन या डिविजिबल बाय नाइन इज नाइन के नाइन के फॉर्म में होगी विच थ्री इज नॉट थ्री इज नॉट डिविजिबल बाय नाइन तो जहां से तुमने शुरू किया था कि सम ऑफ यहाँ से लिखते हैं यहाँ से हमने शुरू किया था सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू थ्री बी थ्री बोला है सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू थ्री यहाँ से कहानी शुरू करते हैं अपनी ट्रेन उठाते हैं अगर ये है तो आपका ए स्क्वायर डिविजल बाय नाइन होगा अगर ये है तो आपका ए डिजल सॉरी डिविजल बाय थ्री होगा अगर ये है तो आपका ए भी डिविजल बाय थ्री होगा अगर ये है तो आपका ए स्क्वायर डिविजल बाय नाइन होगा और अगर ये है आई एम रनिंग आउट ऑफ कलर्स तो आपका सम ऑफ डिजिट्स नाइन का मल्टीपल होंगे बट यहां कॉन्ट्रोडिक्शन है थ्री इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ नाइन तो दिस मीन्स ये नाइन का मल्टीपल नहीं होगा दिस मीन्स ये थ्री का मल्टीपल नहीं होगा दिस मीन्स ये थ्री का मल्टीपल नहीं होगा दिस मीन्स दिस विल नेवर हैपन नो स्क्वायर नो सम ऑफ द सम सम ऑफ ऑफ डिजिटल अ स्क्र कैन नॉट बी थ्री इट कैन बी नाइन बट इट कैन नेवर बी थ्री थ्री इज अ प्रॉब्लम थ्री इज अ प्रॉब्लम सोचो इसके बारे में हो सकता है मैंने थोड़ा घुमा के बताया तुम्हारे पास सिंपलर सॉल्यूशन हो बट द आंसर इज आंसर इज नो इट कॉन्ट बी फॉलो अप क्वेश्चन इसका साथ में ऐड करता हूँ कैन द डिजिटल सम बी 1977 1977. यस और नो एंड व्हाई तब तक मैं मिटाता हूँ थिंक अबाउट दिस एंड देन विल सॉल्व इट टूगेदर ओके क्या किसी स्क्वायर के डिजिट्स का कैन दिस कैन क्या किसी स्क्वायर के डिजिट्स का सम 1977 से डिविजिबल होगा क्या नहीं 1977 होगा क्या बी 1977 डिविजिबल नहीं कि सारे डिजिट्स ऐड करके इट्स लार्ज नंबर सारे डिजिट्स ऐड करके क्या आपको 1977 कभी का भी मिल सकता है क्या सोचो ओके okay.

बट इसी चीज़ से तुम बोल सकते हो ए स्क्वायर इज नॉट डिविजिबल बाय नाइन क्योंकि सम नाइन से मल्टी नाइन का मल्टीपल नहीं आ रहा एंड दिस ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती दिस कॉन्ट हैपन बिकॉज सेम लॉजिक अगर किसी का स्क्वायर थ्री का मल्टीपल है तो यानी कि वो नंबर भी थ्री का मल्टीपल होगा अगर एक स्क्वायर में एक थ्री है तो उसमें एक से ज़्यादा थ्री होंगे तभी तो वो स्क्वायर है और अगर उसमें एक से ज़्यादा थ्री है तो वो नाइन का मल्टीपल होगा तो तुम थ्री का मल्टीपल नहीं ढूंढ सकते तो मैं नाइन का मल्टीपल ही ढूंढना पड़ेगा बोथ ऑफ दिस कांट हैपन टुगेदर इफ योर इफ योर स्क्वायर इज डिविजिबल बाई थ्री इट हैज़ टू बी डिविजिबल बाई नाइन बट ये कह रहे हैं नहीं सम तो ट्वेंटी फोर है दिस मीन्स अब ये गलत नहीं है मैथ कांट बी रॉन्ग दिस मीन्स दिस इज रॉन्ग द आंसर इज नो नाइनटीन सेवेंटी सेवन कैन ऑल्सो नॉट हैपन तो या दिस इज दिस इज इट पूछो इसको किसी और किसी और से क्वेश्चन पूछो ये एंड सी व्हाट यू गेट लॉजिक सेम लॉजिक सिंपल है भाई एक स्क्वायर सिर्फ थ्री का मल्टीपल नहीं हो सकता एक स्क्वायर को नाइन का मल्टीपल ही होना पड़ेगा यू कैन नॉट हैव यू कैन नॉट हैव ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री इम्प्लाइंग ए स्क्वायर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ नाइन इसको नाइन का मल्टीपल भी होना ही पड़ेगा सो सेम लॉजिक से दोनों क्वेश्चन थे एंड आई थिंक विद दैट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो